हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूतक पातक के 13 दिनों में कौन से नियम हमें मानने चाहिए, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन कुछ विशेष कार्य वर्जित होते हैं, तो कौन से हैं वो कार्य, इसी विषय पर आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सूतक पातक के जो भी नियम होते हैं, अगर हम इन नियमों को नहीं मानते हैं तो समस्याएँ तो जीवन में आती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। देखिए, जीवन में कोई भी समस्या आती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताती है कि आपने ये गलती की है तो इसलिए इस समस्या को आपको झेलना पड़ रहा है। हमें कई कारणों की वजह से समस्याएं देखने को मिलती हैं, हम परेशान रहते हैं, तो छोटे छोटे नियमों को जब हम ध्यान में नहीं रखते तो जीवन हमारा प्रभावित होता ही है। आपने देखा होगा कि श्राद्ध के दिनों में कुछ चीज़ें वर्जित की जाती हैं। आपने सुना होगा कि पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितर नाराज़ हो जाते हैं, तो इसलिए जो है पातक के भी कुछ नियम होते हैं जिससे पितर नाराज ना हो या फिर हमें हमारे जीवन में कोई समस्याएं ना आए, इसलिए इन नियमों को हमको मानना ही चाहिए। तो कौन से हैं वो 13 दिन के नियम, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको सुबह से स्नान से बताती हूँ। तो सूतक पातक के इन 13 दिनों में हमें स्नान करते समय साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साबुन लगाकर आप इन 13 दिनों में स्नान बिल्कुल ना करें। और निरमा का भी प्रयोग वस्त्र धोने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन अब जैसे कि परिस्थितियां बदल गई हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, गंदे वस्त्र नहीं पहन सकते। और निजी परिवार के लिए तो कहूँगी कि निरमा ना साबुन कोई भी चीज़ प्रयोग ना लिया जाए, लेकिन कई बार बहुत बड़े बड़े परिवार हो जाते हैं तो निजी परिवार को छोड़कर अन्य लोग जो है निरमा का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कहूँगी कि साबुन तो बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाई जानी चाहिए। इसके अलावा अगला नियम है कि सूतक के इन 13 दिनों में तेल मर्दन भी नहीं किया जाता, तेल की मालिश नहीं की जाती है, कोई भी क्रीम पाउडर का प्रयोग भी नहीं किया जाता। यहाँ तक कि सुहागन महिलाएं नई बिंदी नहीं लगाती हैं, नई चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, वो सिंदूर भी नहीं भरती हैं। जो भी हमने सिंदूर भरा होता है वही हम जो है 13 दिनों तक भरे रहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में भी सिंदूर भरने के बड़े नियम होते थे। बढ़िया से कंघी करके शुभ मुहूर्त में जो है सिंदूर भरना बड़ा शुभ कार्य माना जाता था, तो इसके लिए जो है अच्छे से शुभ दिन का प्रयोग किया जाता था सिंदूर भरने के लिए। तो अगर आप प्रतिदिन नहीं भरते हैं तो बिल्कुल आपको जो है जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते हैं तो कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि अगर बिंदी गिर भी जाती है तो माथा भी सूना अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए क्या करना है, कन्या को जो है आप बिंदी लगाएं, सुहागन महिला को नहीं लगाएं किसी को, ठीक है। आप एक कन्या को बिंदी लगा करके और वो सारी जूठी बिंदियाँ आप कहीं पर लगा लें, और जब भी आपकी बिंदी गिर जाए तो वही कन्या की जूठी बिंदी आप लगा सकते हैं, क्योंकि कन्या की लगाई बिंदी का दोष नहीं है। अगर आप किसी जैसे कि नंद, यानी कि हमारे परिवार की नहीं कहाती हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि नंदू को लगा के जो है बिंदी लगा लेते हैं, लेकिन सुहागन को लगा कर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वो सुहाग लेना कहला जाता है। इसलिए जो है आप कन्या को लगा करके बिंदी लगा सकती हैं, सिंदूर इन दिनों में ना भरें। निजी परिवार के जो भी सदस्य हैं वो तो कंघी भी अपने सिर पर ना स्पर्श कराएं, कंघी भी नहीं की जाती है इन 13 दिनों में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सूतक पातक के इन 10 दिनों में 13 दिनों में बिना हल्दी मसाला के जो है भोजन तैयार किया जाता है। दाल में हल्दी नहीं डाली जाती है और यहाँ तक कि सब्जी बिना तले ही बनाई जाती है। कढ़ाही बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती, कढ़ाही चढ़ाना, तवा चढ़ाना वर्जित होता है। तवे के स्थान पर जो है थाली चढ़ा करके रोटियाँ बनाई जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। लोहे की चीज़ों का स्पर्श नहीं किया जाता है, तो चाकू वगैरह स्टील की जैसे होते हैं तो वो आप प्रयोग करें, तवा ना चढ़ाएं। आप इन दिनों थाली में चढ़ा करके भोजन बनाएं और जो है कढ़ाही भी ना चढ़ाएं। पूड़ियां तो तलना दूर की ही बात है, सब्जी भी नहीं तली जाती है, तो केवल उबला भोजन ही इन दिनों किया जाता है, हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी आप सिंपल मसाले, धनिया पाउडर वगैरह प्रयोग में ला सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार भोजन बिल्कुल वर्जित होता है। साथ ही साथ सूतक पातक के इन दिनों में कोई भी मेहमान अगर हमारे घर में आते हैं, जैसे कि जो भी शोकाकुल परिवार होता है तो उसे शोक प्रकट करने के लिए कई मेहमान आते हैं, तो वो जो है भोजन करके नहीं जाते हैं, उन्हें जो है भोजन नहीं करवाना चाहिए। अगर वो रुक नहीं रहे हैं 2-3 दिन, बहुत ही निजी लोग हैं, अगर जैसे कि नंदी हो गई अपनी या फिर कोई बहुत निजी लोग हैं जो कि रुक रहे हैं, तो फिर आप उन्हें भोजन दे सकते हैं, मजबूरी हो जाती है, वरना
किसी को भी, किसी ब्राह्मण को कोई आपसे अन्न दान मांगने आता है तो इन दिनों जो है ना तो दान किया जाता है और जो भी शोक प्रकट करने आते हैं वो भी भोजन करके नहीं जाते हैं, उनको भी भोजन वगैरह के लिए नहीं पूछा जाता है। अब अगर वो भूखे ही हैं, आप स्वयं से आग्रह कर रहे हैं तो ये बात अलग होती है, वरना नियम ये है कि कोई भी जो भी आते हैं आगंतुक वो भोजन नहीं करके जाते हैं, भोजन के लिए पूछा ही नहीं जाता है, जलपान वगैरह कुछ भी नहीं करवाया जाता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण अगर आपके घर में आते भी हैं भिक्षा वगैरह मांगने तो आप उन्हें बता दें कि आप 13वीं के दिन या फिर बाद में आप आएँ तो आपको जो है अन्नदान दिया जाएगा, अभी हमारे घर में ऐसी ऐसी परेशानी है, तो उनको आप दान दक्षिणा बिल्कुल ना करें। इसके अलावा कई बार जो है शोकाकुल परिवार में कई ऐसे मेहमान भी आते हैं जिनके अभी तक हम चरण स्पर्श करते आए हैं, जैसे कि नंद हो गई, बुआ सास हो गई, कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो हमारे मानदान होते हैं उनके चरण स्पर्श हम करते थे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पातक के इन 10 दिनों में जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक हमें किसी भी मानदान के चरण स्पर्श भी नहीं करने होते हैं। वो शोक प्रकट करने आते हैं तो ना ही ज़्यादा भोजन के लिए पूछना चाहिए और ना ही उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर वो भोजन के लिए विशेष आग्रह करते हैं, आपको कोई मजबूरी समझ में आ रही है तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे ज़्यादा अन्य दिनों में जैसे हम मेहमान को बार बार खाने के लिए पूछते हैं वैसे जो है अभी नहीं किया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगली चीज़ ये है कि पातक के इन 10 दिनों में जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक जो है पूजा वगैरह घर में नहीं की जाती है। अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं, पहले से करते आए हैं, तो उन व्रतों को आपको करना है, यानी कि भूखे आपको रहना है, लेकिन घर में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं की जाएगी, हवन नहीं किया जाएगा। कोई अगर अनुष्ठान पहले से ही किया गया है, बीच में ऐसी आपत्ति आ जाती है तो फिर ब्राह्मणों द्वारा करवा लिया जाता है कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जो चलता आ रहा है। जैसे कि नवरात्रि में कई बार अगर परिवार शोकाकुल हो गया है तो फिर वो अनुष्ठान जो है पंडित जी करेंगे, ब्राह्मण करेंगे, लेकिन घर का कोई सदस्य जो है उस पूजा में सम्मिलित नहीं होगा। पूरे जो भगवान के हम स्नान करवाते थे सब चीज़ें, उनके मंदिर में प्रवेश भी नहीं किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, केवल जैसे कि हम मासिक धर्म में व्रत करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो उसी तरह से केवल भूखे रह लेना है, मानसिक जप आप कर सकते हैं, बाकी भगवान का स्पर्श नहीं करना है। और सूतक पातक के इन दिनों में आप कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें शुरू करनी होती हैं, तो कोई ऐसा कार्य आप शुरू ना करें। कोई नया वस्त्र इस समय पे धारण नहीं करना चाहिए, कोई नई चीज़ जो है हमें धारण नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जो है सुहागन महिलाओं को तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नई सामग्री वो सुहाग की तो ज़रूर ही धारण ना करें। पुरानी पहने, जैसे कि मैंने आपको बिंदी के लिए बताया कि लगाई हुई बिंदी ही लगाना चाहिए, मतलब शादी नई एकदम बिंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। और वैसे सामग्री की बात की जाए तो बहुत सारी सामग्री, जैसे कि मृत्यु संस्कार मतलब अंतिम संस्कार के लिए ही कई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं तो खरीदा जाता है, लेकिन धारण करने वाली सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। कोई खुशी वाला सामान या फिर जो हमको अभी तक हमने नहीं खरीदा तो ऐसे ना खरीदें ना पहने, खुशी का कोई भी कार्य जो है नहीं किया जाता है। पातक के इन दिनों में प्रतिदिन जो है गाय के लिए रोटी, एक लास्ट की कुत्ते के लिए रोटी ज़रूर निकालें, गाय, कुत्ता, कौवा इन जीवों को ज़रूर खिलाना चाहिए जो कि मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। तो जब तक परिवार की शुद्धि नहीं हो जाती है, 10 दिन के बाद जो है शुद्धिकरण होता है, पुरुषों का मुंडन होता है, महिलाएं जो है सिर धोकर स्नान करती हैं, तो जब तक शुद्धिकरण नहीं होता है पूरे घर के वस्त्र साफ किए जाते हैं, पूरे एक एक वस्त्र जो है भिंगोए जाते हैं और घर का शुद्धिकरण किया जाता है, जो है गाँव में गोबर से लीप कर जो है घर शुद्ध किए जाते हैं। तो जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता है तब तक शुद्धिकरण के कार्य जैसे कि बाल कटवाना, नाखून काटना, ये सभी कार्य भी नहीं करने चाहिए। तो इन 10 दिनों में कुछ चीज़ें विशेष तौर पर हमें ध्यान रखने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसी तरह के कई और वीडियोस हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे एक बार ज़रूर आइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।